लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स दो पार्ट में बांटे जाते हैं, डेथ क्लेम्स और मैच्योरिटी क्लेम्स। आइए एक एग्जांपल की मदद से डेथ क्लेम को समझते हैं। किसी दुर्घटना में राज की मौत हो जाती है, इससे राज के परिवार को गहरा सदमा लगा है। अब चूंकि राज इस परिवार का एक लौता कमाने वाला सदस्य था, तो उसकी मौत के कारण परिवार को आर्थिक दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन राज अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीद के रखा था, जिसकी नॉमिनी थी राज की पत्नी। राज की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी को रोजाना के खर्च के लिए पैसों की दिक्कत आने लगी और काजल को राज की खरीदी हुई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ख्याल आया। उसने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके क्लेम की जानकारी दी। इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कुछ जरूरी कागज जमा करने के लिए कहा, जैसे कि क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, परिवार के वारिस के सर्टिफिकेट, पॉलिसी के असली डॉक्यूमेंट और काजल का पहचान पत्र। काजल ने ऑफिशियली ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को मेल किए और पॉलिसी पर क्लेम किया। प्लीज नोट कि जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदें, तो अपने परिवार को उसके बारे में जरूर बताएं। साथ ही पॉलिसी के कागज कहाँ रखे हैं, इसकी जानकारी भी उन्हें जरूर दें। वेबसाइट पर या पॉलिसी के कागज पर आपको कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर आप उस एजेंट को कॉल कर सकते हैं जिससे आपने पॉलिसी खरीदी थी। कंपनी ने काजल के भेजे गए डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसके क्लेम का भुगतान करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। उन्होंने काजल को सूचना भी दी कि अगर सारे कागज ठीक हैं, तो 10 दिन के अंदर काजल को उनके क्लेम के पैसे मिल जाएंगे। काजल का क्लेम पूरा कर दिया गया और कंपनी के आदमी ने उसे चेक दे दिया। वो अब अपने सारे खर्च और बिल्स का भुगतान कर सकती है। उसने राज को धन्यवाद किया कि उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फैसला किया था। जैसा कि हमने देखा, डेथ क्लेम के प्रोसेस में ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से हमेशा सच बोलेंगे और मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं।